गंज बासोदा में कांवड़ यात्रा के दौरान दो बच्चे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान दोनों बच्चों ने हाथों में झंडा पकड़े हुए थे, तभी झंडों में लगे पाइप तारों से टकरा गए, जिससे दोनों बच्चे बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते दिन गंज बासोदा में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जहां कई श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए, लेकिन यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। दरअसल दोनों बच्चों ने यात्रा के दौरान हाथों में झंडा पकड़े हुए थे, इसी दौरान झंडे के पाइप तारों से टकरा गए, तभी दोनों बच्चों को करंट लगा, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों बच्चों को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देकर विदिशा रेफर किया गया है। वही घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम और बीएमओ भी अस्पताल पहुंचे। अभी सुबह 11 बजे की घटना है कि उदयपुर जाते समय कांवड़ यात्रा में ऑटो में बैठे कुछ बच्चे, जो कि कांवड़ यात्रा से पानी या अन्य नाश्ते के लिए साइड से अपना वाहन लगा करके खड़े थे, तभी अचानक उनके हाथ में कोई लोहे का झंडा था, जो कि हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार सीएचसी बासुदा में करके उनको तत्काल विदिशा जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। हालत कुछ गंभीर थी, इस कारण से यहाँ फर्स्ट एड करके यहाँ ठाकुर बेलोड बाईपास धर्मकांटा उधर से यात्रा गई, इतना वो वाला धर्म कांटे के थोड़े से ही आगे पहुंची थी, मतलब वो मंडी गेट के साइड वो झंडे की वजह से हुई। तो बता दें कि इस यात्रा में करीब 60 कांवड़ यात्री शामिल थे। कांवड़ यात्रा बहलोट बाईपास से नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर तक निकाली जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गंज बासोदा।